चलो एक बार फिर आ गए भाई एक और शेड्यूल वाली वीडियो लेते हैं। तो तुम लोग को आज मैं देने वाला हूँ ऐसा शेड्यूल जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मतलब इतना बढ़िया है कि उसको मैं कह सकता हूँ मेरी तरफ से तुम्हारे लिए नहीं यार, मेरी तरफ से वो BSL टाइप का लगता है मेरे को देखने में बिल्कुल भाई। ठीक है, तो वो शेड्यूल थोड़ा सा हैवी है, ठीक है। तो उसको मैं हैवी मतलब ये नॉर्मल मतलब 5-6 GB का भाई, ठीक है, 3 MB का हैवी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो 3 GB रैम में भी सही चल जाता है, 4 GB रैम में भी चल जाता है, लेकिन 1 और 2 GB रैम में चलेगा नहीं, चलाना तो चला सकते हो लेकिन लैग होगा बहुत ज़्यादा। अगर तुम लोग चाहो तो अपने चंक्स और सब कुछ बंद करके मतलब ग्राफिक्स वाले वगैरह चीज़ों को बंद करके चलाओ तो ज़्यादा लंबा चलेगा, ठीक है। तो हाँ, तो उसको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं तुम लोग को बताता हूँ जल्दी से, ठीक है। चलते हैं लोग अपने कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, वहाँ पे तुम लोग को क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद तुम लोग आ जाओगे एक मीडिया फायर के पेज पे, चलते हैं वहाँ पे। तो उस लिंक को क्लिक करने के बाद तुम लोग यहाँ आ जाओगे, मतलब एक मीडिया फायर पेज पे आ जाओगे ऐसा था। तो तुम लोग इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये मेरा शेडर नहीं, जिसका भी शेडर है उसको पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे ये देखो MC पैक में है, इसको माइनक्राफ्ट से ओपन कर लेना। तो हमारा माइनक्राफ्ट ओपन हो रहा है, जल्दी से इसको ओपन हो जाने देते हैं। और तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट स्टार्टिंग हो चुका है, ठीक है। तो इंपोर्ट हो जाने के बाद ये इंपोर्ट हो चुका है, अब तुम लोग को कुछ नहीं करना है, इसको प्ले कर देना है, ठीक है। तो इसको जल्दी से हम लोग प्ले करते हैं। तो प्ले करने के बाद तुम लोग को क्या करना होगा, नॉर्मल सा अपना शेडर वाले पैक पे जाना, मतलब रिसोर्स पैक पे जाना, वहाँ पे एक्टिवेट कर देना सिंपल सा, और कुछ नहीं करना होता, मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग को। तो अभी यहाँ पे मुझे लेफ्ट स्वाइप करना पड़ेगा, लेफ्ट स्वाइप करने के बाद नीचे जाना है, मतलब नीचे जाना है, फिर यहाँ पे ये क्रीपर शेडर जो नाम का है ना वो एक्टिवेट कर लो भाई, इसी के अंदर है सब कुछ बढ़िया वाली, ठीक है भाई। तो इसको एक्टिवेट करने के बाद तैयार हो जाओ अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस दिखने में, इसको एक्टिवेट करेगा तो आपका फ़ोन कुछ इस टाइप से चलेगा। मजाक कर रहे हैं बस, वीडियो वगैरह मत रिकॉर्ड करना, अगर 8 GB 6 GB रैम है तब तो भाई दिक्कत ही नहीं भाई, आराम से चलाओ, बहुत बढ़िया शेडर है। तो जल्दी से खुल जाने देते एक बार अपना माइनक्राफ्ट जल्दी से। तो अभी यहाँ पर तो देख सकते हो लोडिंग स्क्रीन भी चेंज हो चुकी है, हमारा माइनक्राफ्ट ओपन होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट शेडर होने वाला है ये। सो तुम लोग अभी यहाँ पे जैसे ही लोड हो जाए, ये देखो भाई ये शेडर भाई क्या भयंकर शेडर है, शेडो इतनी बढ़िया आती भाई मैंने को नहीं, बहुत बढ़िया शेडो है, वेव भी काफ़ी अच्छा है इसके अंदर सारी लीव्स वगैरह के अंदर। और तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो पेड़ भी हिलते दूर से, और वाटर देखो भाई एक बार ये भाई वाटर, लेकिन बस थोड़ा बहुत लैग हो रहा है क्योंकि समझो ना थोड़ा सा 4 GB रैम ऊपर से रिकॉर्डिंग ऊपर से 2-3 चीज़ें और लगी रहती है बैकग्राउंड में, तो उस वजह से लैग हो रहा है। तुम लोग पानी में ना जाना भाई तो लैग नहीं होगा भाई, ठीक है ना। तो इसको तुम लोग फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हो, अपने जो रेंडर डिस्टेंस है उसको थोड़ा कम कर लेना, ठीक है। रेंडर डिस्टेंस कम करने के बाद अपने क्लाउड्स वगैरह ऑफ कर लेना, ठीक है, तो उससे ज़्यादा अच्छा चलेगा तुम्हारा। चलो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जल्दी से तुम लोग को मैं इसका सब कुछ सिखाता हूँ ये कैसे कैसे दिखता है। और ये है इसका नॉर्मल आउटलुक भाई, मतलब ग्रास वगैरह कितनी अच्छी है, शेडो वगैरह है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है ये शेडर, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा पर्सनली। और यहाँ पे लैग नहीं हो रहा है मेरा, जो तुम लोग को थोड़ा बहुत अगर दिखेगा अभी तो वो समझ लेना तुम लोग इसके रिकॉर्डर से लैग है, अगर लैग नहीं होता है तो। अभी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी शेडो आ रही है इसके अंदर, मतलब एक तरफ लाइट है एक तरफ शेडो है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी है, और इसके अंदर ना नेदर और एंड दोनों एकदम अलग ही लगते भाई, एकदम अलग लगते भाई। तुम लोग डाउनलोड करके एक बार जरूर चला के देखना, मेरी तरफ से अच्छा लगेगा तुम लोग को। और बाकी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे शेडो वगैरह, ठीक है। तो और वैसे इसके अंदर लाइटिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं है, मैं तुम लोग को सनराइज़ दिखाता हूँ कैसा है, सनराइज़ के एक बार सुपर में तुम लोग को सन दिखाता हूँ, सनराइज़ दिखाता हूँ, फिर नाइट दिखाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार की लगती है हमारी नाइट, जल्दी से नाइट हो जाने देते हैं। और जब लोग ना अपना बैक करके फिर से आओगे गेम के अंदर, मतलब तो थोड़ा बहुत फॉग लगेगा, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा फॉग, ठीक है। अभी तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा सन जा चुका है, और बढ़िया लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, माहौल अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमारा मून आ रहा है भाई, ये मून है काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। अभी तुम लोग को मैं और भी दिखाऊंगा अच्छे से इसको, ठीक है। तो मतलब तुम लोग पीछे देख सकते हो, स्टार्स वगैरह देख सकते हो, और वहाँ पे हमारा सन जा चुका है, अगर तुम लोग को मैं उड़ के दिखाऊँ। और सन ऊपर देख सकते हो, तो हमारे जितने भी क्लाउड्स हैं वो चलते रहेंगे हर वक्त, मतलब फ्लोट करते रहेंगे वहाँ पे, और जो स्टार्स वगैरह वो भी ट्विंकल करते रहेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। और वेव भी करती लाइट, और रात में तुम लोग लाइट देख सकते हो नॉर्मल सी है, ठीक है। अभी मैंने स्मूथ लाइटिंग ऑफ करी हुई, तो वो ब्लॉक ब्लॉक के ऊपर टेक्सचर दिख रहा है, उतना दिक्कत नहीं है कोई बात की। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जल्दी से हम लोग सनराइज़ कर लेते हैं, और सनराइज़ दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। वहाँ देखो हम लोग का मून जा चुका है, पूरा हमारा मून भाई जो कि उधर जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सन है भाई, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, ये भाई ब्राइटनेस हो गई इतनी ज़्यादा भाई, आँखें एकदम हिली जा रही भाई, देख नहीं सकते जा रहे तक, हमसे नहीं देखी जाएगी। तो हाँ मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़िया शेडर है, तुम लोग इसको डाउनलोड जरूर से करना। तो हाँ आज में इतना ही रहा, तुम लोग को अच्छी अच्छी वीडियो को लाइक करना, चला रहे हो सब्सक्राइब करना, अभी तक मेरा इंस्टाग्राम और स्क्वाड नहीं है भी कर लो, तो आज में इतना वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।